उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर अखिलेश यादव की पत्नी व सपा सांसद डिंपल यादव अपने संसदीय क्षेत्र मैनपुरी पहुंची, जहां पहले विधानसभा सदर के मोहल्ला छपट्टी में स्थित अंबेडकर छात्रावास पहुंचकर डिंपल यादव ने पहले बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, जिसके दलित समाज के लोगों को संबोधित किया। दलित समाज को संबोधित करते हुए डिंपल यादव ने दलित समाज को अपनी शिक्षा पर जोर देने की बात कही। बोली, जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक एकजुट होने में समस्या आती रहेंगी। कहीं ना कहीं दलित समाज पर अपने इस भाषण को देते हुए एससी वोटर को सपा के प्रति संभावित प्रभावित करती दिखी डिंपल यादव। वही मीडिया कर्मियों से बहुत ही कम शब्दों में अतीक के बेटे पर किए गए सवाल पर जवाब देती हुई बोली डिंपल यादव, प्रदेश में लगातार फेक एनकाउंटर किए जा रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो कि डेमोक्रेसी से चलता है, जहां कुल रूल्स और रेगुलेशन है जिनकी लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर्स होते जा रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक प्रजातांत्रिक देश है, और यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके तहत देश चलता है, और इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस की उत्तर प्रदेश में धज्जियाँ उड़ाई जा रही है।